हेलो फ्रेंड्स, रीता यूनिक किचन एंड क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं भिंडी और आलू की सब्जी बनाने मिक्स। और ये हमारी छत की ही भिंडी है, ताज़ी अभी तोड़ के लाई हूँ। इनको अच्छे से धुल लिए हैं तीन चार पानी से, और अब इनको हम कट कर लेते हैं। किस किस ने आलू भिंडी खाया है आप बता सकते हैं कमेंट करके। आलू भिंडी बहुत अच्छा लगता है, मैं तो अक्सर बनाती रहती हूँ आलू भिंडी। भिंडी भी बनाती हूँ केवल, लेकिन आलू भी डाल के बहुत अच्छा लगता है। भिंडी तो प्याजा भी बनाती हूँ और आलू भिंडी भी। भिंडी तो कई प्रकार से बनती है भरमा, लेकिन मैं आज आलू भिंडी बनाऊँगी। भिंडी हमारी कट हो गई है, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चलिए आलू को कट कर लेते हैं। आलू हमने पहले से छील के धुल के रखा है, तीन आलू है ये। इसको भी ऐसे क्यूब्स में काट लेते हैं। भिंडी आलू की सब्जी अच्छी लगती है बहुत। देखिए फ्रेंड्स, ये आलू भी कट गया है, आलू को भी प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये हमने दो प्याज ले लिए हैं, इनको भी छिलका हटा के लिया है हमने। इसको भी ऐसे कट कर लेते हैं। इसको हमें लच्छे में कट करना है। लच्छे ऐसे अपने आप निकल आएंगे, इसको ऐसे पतला पतला हमें काटना है। लच्छे तो वो खुद ही निकल आएंगे। देखिए प्याज भी हमारा कट गया है। अब चलिए मिर्ची कट कर लेते हैं बारीक बारीक। ये हमने तीन मिर्ची ली थी। सारी सब्जियां हमारी कट चुकी हैं, भिंडी आलू प्याज। अब चलिए इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और ये सरसों का तेल है, इसको गर्म होने को रख दी हूँ। और ये गर्म हो गया है, अब एक लहसुन मिर्च फ्राई कर लेते हैं। और एक चम्मच जीरा है, जीरा हमने डाला इसमें। जीरा भी चटकने लगा है। और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है, क्योंकि इसके लच्छे निकल रहे हैं अपने आप ही, वो तेल में जाते ही अलग हो जाएंगे। हमें निकालने की जरूरत, और भिंडी भी साथ ही में डालूंगी क्योंकि भिंडी हमको फ्राई करनी है। आप चाहें तो अलग से भी इसको तेल में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज के साथ ही डाला है। नमक अभी नहीं डालूंगी जब तक इनको फ्राई नहीं हो जाती है। पहले फ्राई करने से ये फ़ायदा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये फूटती नहीं है, नहीं तो बहुत जल्दी भिंडी फूट जाती है, इसीलिए इसको पहले ही फ्राई किया जाता है। देखिए थोड़ा थोड़ा ये फ्राई होने लगी है। ऐसे लगभग ये 5-6 मिनट हमने इनको फ्राई किया है। ऐसे ये दोनों चीज़ों को ऐसे चलाते रहेंगे। अब आ गई है, अब इसमें आलू हमने डाल दिया है। आलू को भी थोड़ा ऐसे फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि सब्जियां जितना अच्छे से आप फ्राई करेंगे उतने अच्छे बन के तैयार होंगी। और नमक हमको पहले नहीं, लेकिन अब डालना है, क्योंकि अब हमने आलू भी इसमें डाला है। नमक स्वाद अनुसार इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसको एक लीड लगा के कवर कर दूंगी। अब देख लेते हैं कैसे हो गई है सब्जी। लगभग इसको 10 मिनट पकते हो गया है। ये देखिए आलू फूट रहा है, और चम्मच से तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना गोल्डन कलर भी आ गया है, ये फूट रहा है। ये पक चुकी है सब्जी। अब चलिए इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। वैसे आप ना चाहें तो बिना मसाले के भी बना सकते हैं। ये हल्दी पाउडर है, गरम मसाला, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। लेकिन मसाले तो हमने बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, कोई ज़रूरी नहीं, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी अच्छा लगेगा। लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया है मसाला। देखिए अब इसको भी लिड लगा के थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, क्योंकि मसाले भी अच्छे से पक जाएँ। देखिए कितना अच्छा बन के तैयार है। मसाले मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ, और वो अच्छे से पक भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि
पकते नहीं हैं लेकिन बरकरार बने भी रहते हैं। पहले डालने से उतना अच्छा कलर नहीं आता है, इसीलिए मैं बाद में डालती हूँ। बाय बाय।